नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कसा शिकंजा, घर के सामने लगे अवैध बैरियरों पर गिरी गाज। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रफ्तार का कहर, आधा दर्जन यात्रियों के घायल होने की खबर। गुजरात में ससुराल वालों ने सरेआम की दामाद की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। झारखंड पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ गुजरात में हुई शिकायत, सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने का है आरोप। और उत्तर प्रदेश में रेंजर की गाड़ी से मिले 10 लाख रुपए, पुलिस कर रही जांच। ताजनगरी आगरा में सपा के पूर्व लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पर सटीक बैठती है। दरअसल सूबे की सबसे दबंग पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी के पूर्व लोक सेवा आयोग के अनिल यादव ने अपनी सत्ता में पड़ोसियों का निकलना दुश्वार कर दिया। अपने मकान के सामने से निकलने वाला रास्ता बैरियर से रोक दिया। बेचारे पड़ोसियों ने आज तक दबंग चेयरमैन का विरोध नहीं किया, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस ने तत्काल बैरियर को हटवा दिया, लेकिन पूर्व चेयरमैन का खौफ इस बात से साफ नजर आता है कि आसपास के लोग इस समय भी बोलने से इनकार करते नजर आए। पूर्व से लगे हुए थे और संज्ञान में नहीं था कि बैरियर इस तरीके से लगा हुआ है। बैरियर जो पूरी तरह हटा के तो पुलिस चौकी पे खड़े करा दिए गए। ये हमारी संज्ञान में ऐसा था नहीं, आज मालूम पड़ा हमें, आज हमने तुरंत उसको हटवा दिया गया। लेकिन हमको जो पूरा जो रास्ता साफ करा दिया गया है, एक ये जो ये टीन शेड पड़ा हुआ था इसको वहाँ से हटवा दिया गया। ये बैरियर जब पूर्व चेयरमैन थे उस समय बड़ी व्यवस्था की गई थी। तेज रफ्तार यात्री बस और टैंकर के आमने सामने भिड़ंत होने से लगभग आधा दर्जन यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जशपुर से अंबिकापुर चलने वाली अंबिका बस और टैंकर का NH 43 पत्थलगांव मार्ग के लुड़ेक के पास भिड़ंत हो गया। टैंकर पत्थलगांव से जशपुर की ओर जा रही थी। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, पर कुछ यात्री घायल हो गए हैं। एक यात्री के मुताबिक बस का चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, सड़क से चालक का ध्यान हटते ही यह हादसा हुआ। घटना के बाद टैंकर और बस दोनों के चालक मौके से फरार हो गए। एम्बुलेंस के सहारे घायलों को अस्पताल लाया गया। गाड़ी चल रही थी बस, तो स्पीड में नहीं थी, कंट्रोल की स्पीड में थी गाड़ी, तो उधर से टंकर वाला आ रहा था, तो पीच रोड से पूरा टंकर वाला उतार दिया गाड़ी अपना, और पीच रोड से बस वाला एकदम करीब ही था और लिया के ठोक दिया। मोबाइल से कंफर्म कोई बात कर रहा था, मोबाइल में जैसे देखा तैसे गाड़ी लड़ गई। जशपुर से अंबिकापुर जा रही अंबिका बस और पत्थरगांव से जसपुर की ओर जा रही टैंकर में ग्रांड रोडेक के पास नेशनल हाईवे 43 में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बस में सवार 4-5 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर भेजा गया है। दोनों ड्राइवरों की गलती है, साइड देने के दिए होते एक्सीडेंट नहीं होती। चालक गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं, गर्भवती बेटी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देने वाले दामाद को ससुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरेआम खूब पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ससुर और उसके साथी दामाद को लाठी से बुरी तरह से मार रहे हैं। दामाद गिड़गिड़ा रहा है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन लोगों ने दामाद की कार को भी नुकसान पहुंचाया। यह घटना 20 मार्च की है। एक तरफ गुजरात में विकास की बातें और महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ रोज बरोज गुजरात में दुष्कर्म व महिलाओं पर अत्याचार के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना 20 मार्च को बनी और ससुराल में दामाद की मारपीट का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस घटना में पुलिस ने रायोटिंग और प्रताड़ना का अपराध दर्ज किया है। उसने यह दावा किया है कि वह पत्नी की सोनोग्राफी करवानी थी, इसलिए गांधीनगर आया था, तभी ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे बुलाकर बुरी तरह से मारा। दूसरी ओर ससुराल पक्ष के लोगों ने हार्दिक पर पत्नी से मारपीट, दहेज प्रताड़ना और शारीरिक मानसिक अत्याचार करने का आरोप लगाया है।
बिहार के गया में विष्णु नगरी में फल्गु नदी के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। देश विदेश से हिंदू धर्मावलंबियों का आना जाना लगा रहता है और बड़ी ही आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के समय यहां लाखों की संख्या हिंदू धर्मावलंबियों अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने आते हैं। आपको बता दें कि जल ही जीवन है और जल के बिना आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। मगध की जीवन रेखा और पिंडदानियों के लिए पवित्र फल्गु नदी का जलस्तर गर्मी की शुरुआत में ही बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण इस नदी के दोनों किनारे में बसे लोगों के साथ साथ पिंडदान करने आए तीर्थयात्रियों को फल्गु जल के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तीर्थयात्रियों को इस बार की गर्मियों में भी फल्गु के चुल्लू भर पानी के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ सकता है। जैसे सर कुंड यहाँ पे खोदते हैं तो वहाँ पे श्रद्धा के लिए शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है, तो कुंड से पानी लेते हैं तो पानी लेने के लिए पैसा देने की जरूरत पड़ती है। पानी लेते हैं, जल की आवश्यकता है क्योंकि शुद्ध जल वही है, उसी जल से पूजा होता है, उसके लिए पैसे दे के जल लेना पड़ता है। प्राइवेट कुंड खोदते हैं जो लोग लोकल लोग हैं। पानी के लिए यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है, पानी के लिए बस जाना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है 2-5 रुपया। हम तो फिर भी यहाँ लोकल भाषा से परिचित है, उनका सुविधा नहीं है, लेकिन बाकी बाहर वाले लोग आने से बहुत प्रॉब्लम करते हैं। जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कर्माटान थाना क्षेत्र के घोषबाद गांव से साइबर अपराध करने वाले पिता पुत्र के गिरोह को गिरफ्तार किया है। छापामारी के दौरान साइबर के मामले में मैनेजर अंसारी समेत उनके तीनों बेटे सरफराज अंसारी, समीम अंसारी एवं इम्ताज अंसारी को गिरफ्तार किया। उसके घर से एक बुलेरो एवं एक स्कॉर्पियो समेत 30 सिम कार्ड, एक LED टीवी, 8 मोबाइल फोन, 22,000 नगद, एक बैटरी इन्वर्टर सेट जब्त किया है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छापामारी की गई, छापामारी के क्रम में मैनेजर अंसारी, समीम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, सरफराज अंसारी को गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से 6 बड़ा मोबाइल, 2 छोटा मोबाइल, फर्जी सिम 30, LED एक बड़ा इन्वर्टर, एक बैटरी तथा एक स्कॉर्पियो तथा एक टाटा सुमो तथा नगद राशि के रूप में 22,000 जब्त किया गया। ये पकड़ाने के बाद साइबर अपराध से सारे सामान का क्रय करना स्वीकार किया है तथा ये बहुत दिनों से साइबर अपराध कारित कर रहे थे, अपने आप को बैंक मैनेजर बताकर दूसरे का इंफॉर्मेशन प्राप्त करके ये बैंक ठगी कर रहे थे। जामताड़ा में रामनवमी को लेकर विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के चंचला मंदिर, हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आने लगे हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रामनवमी को लेकर जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जामताड़ा में दोपहर तक रामनवमी का अखाड़ा निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज रोहतास में पुलिस ने हाईवे लुटेरा गिरोह के सरगना महावीर यादव को हथियार के साथ धर दबोचा। बताया जाता है कि नोखा के जखनी पुल के पास ये लूट की योजना बना रहा था कि गुप्त सूचना पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके पास से एक देशी कट्टा, 3 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे इसके गिरोह के अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि महावीर यादव का गिरोह पिछले 6 महीने से जिले में सक्रिय है तथा सड़कों पर कील बिछाकर गाड़ियों के पहियों को पंचर कर देता है और रुकने पर लूटपाट करता है। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस राहत की सांस ली है। एक अपराधी की गिरफ्तारी नोखा थाना क्षेत्र से हुई। हाईवे पे काटा लगा के हाईवे पे चलने वाले ट्रकों एवं छोटी वाहनों के टायर को पंचर कर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। उनके पास एक कट्टा, 3 गोली और एक मोबाइल बरामद हुआ। नवरात्र के नवमी के दिन शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गया शहर का मंगला गौरी मंदिर पालन पीठ के रूप में प्रख्यात है। माता सती का वक्ष स्थल इस मंदिर में गिरा था, इसलिए इसे पालन पीठ कहते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बगल में वर्षों पुराना राम जानकी मंदिर है, जहां श्रद्धालु नवरात्र का पाठ कर रहे हैं। इस मंदिर के पुजारी अंजलि पाठक ने बताया कि श्रद्धालुओं के आह्वान पर उनके द्वारा विश्व कल्याण हेतु रामचरितमानस का पाठ कराया जा रहा है,
जिसमें कई निपुण ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ पाठ किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से पुरुष और महिला श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ करने से श्रद्धालुओं की मनसा पूरी होती है। इसका उद्देश्य है माँ मंगला के हम लोग निकट हैं, इसका पूजा से हम लोग विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, सबका कल्याण हो। राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है, रामचरितमानस का पाठ होगा। हमारे पीछे हजरीवा महादेव जी हैं जो कि प्राचीनों से मंदिर आ रहा है, और इन्हीं के कल्याण सबको कल्याण के लिए ये हम पाठ करवा रहे हैं। पूरे जिला वासियों के लिए, हमारे ग्राम वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए ये शांति का प्रतीक है ये पाठ, और इसी के तत्वाधान में हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं श्री राम जानकी मंदिर में। ये मंगला गौरी के प्रांगण के पास ही ये स्थित है मंदिर, नीचे मार्कंडेय भगवान का मंदिर है। मैं सभी की कामना के लिए ये पूजा करने आया। भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के वकील प्रशांत भूषण पर एक केस दाखिल किया गया है। राजकोट में रहते एक डॉक्टर मनीष विडजा ने इस मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि दिल्ली के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एंटी रोमियो स्काउट के मामले को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़कर सोशल मीडिया में कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके कारण हिंदू समाज के भावनाओं को ठेस पहुँची है। इस मामले पर डॉक्टर मनीष ने कहा कि दिल्ली के वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें यूपी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड पर कहा था कि इसकी जगह एंटी कृष्णा स्क्वाड क्यों नहीं बनाते। प्रशांत भूषण के इस तरह की टिप्पणी ने हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर भिनगा के रेंजर संजय सिंह की गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। बताया जाता है कि रेंजर संजय सिंह अपने घर जा रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 10 लाख रुपए बरामद हुए। श्रावस्ती जिले के वन विभाग के भिनगा रेंज के रेंजर संजय सिंह कल शाम लखनऊ जा रहे थे, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें लक्ष्मण नगर के पास रोका और इनकी गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने इन्हें देर रात तक थाने में बिठाकर पूछताछ करती रही। पुलिस ने आयकर विभाग को भी सूचना दी है। आयकर विभाग की टीम आज रेंजर संजय सिंह से 10 लाख रुपए के बारे में पूछताछ करेगी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर इनकी गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद हुए, आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। मेरे पैसे राजकीय पैसे हैं जो मुझे चेक द्वारा भाई ने मुझे मिलते हैं, जिसको मैं लेबरों को और काम के लिए बांटता हूँ। मैं सरकारी काम के लिए मैं अपने ज्यूरिडिक्शन में गश्त था। पुलिस चेकिंग में इन लोगों को शक हुआ कि पैसा का कोई मेरे पास कागज नहीं। कागज मैं कभी भी दिखाने को तैयार हूँ, आज भी दिखाने को तैयार हूँ। अभी 10 लाख तो इसे कहीं अपने ज्यूरिडिक्शन में था। मैं कार क्षेत्र में अपने काम कर रहा था भाई, गाड़ी से स्टार्टिंग में मैं, वो मेरी ज्यूरिडिक्शन में सब आता है। मैं अपने ब्रिगार्ड और सब देखते हुए, ब्रिगार्ड में मरम्मत काम चल रहा था, तो ये वक्त लोग देखते हुए निकल लेते हैं उधर से। ऐसा है कि संजय सिंह जो रेंजर हैं भिनगा रेंज के, इन्हीं की गाड़ी से जो है 10 लाख का कैश बरामद हुआ है, मिला है, और इसकी जांच की जा रही है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनको भी सूचना की गई है, वो भी इसका परीक्षण करेंगे और तदनुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही की जो इनका जो कहना है, और इसके अलावा जो भी और रिकॉर्ड देंगे उन सबको देखा जाएगा, पूरा उसकी जांच की जाएगी। आगरा थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड पर स्थित ठेका देशी शराब पर किया महिलाओं ने हंगामा। रोड पर स्थित ठेके पर स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा और तोड़फोड़। ठेके पर स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि ठेके के पास ही हनुमान जी का मंदिर है और बराबर में लड़कियों का स्कूल है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने किया ठेके पर बवाल। लोगों का कहना है कि इस ठेके की वजह से यहां का माहौल खराब हो गया है। यहां लोग शराब पीकर हमारी बहन बेटियों को आए दिन परेशान करते रहते हैं, जिसके कारण हमारी बेटियों का निकलना दूभर हो गया है। ठेके के बराबर में मंदिर भी है जहां पर हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को वहां से हटाकर मामला शांत कराया।
भैया पीछे हट गए, मांग ये करते हैं कलाड़ी नहीं होनी चाहिए, दारू नहीं होनी चाहिए। सवेरे आदमी आया घर में ये कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी का जो योगी जी ने मुख्यमंत्री ने फैसला लिया बहुत अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात हमारी बस्ती में एक स्कूल है और बगल में मंदिर है। सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मंदिर नहीं होना चाहिए शराब के ठेके के पास में। यहाँ लोग पूजा आस्था की बात है, यहाँ पूजा करने आते हैं, यहाँ लोग दारू पी के झगड़ा करते हैं, रोज नाटक करते हैं। यहाँ हमारी बहन बेटी घर से निकल के जाते हैं या बच्चे उसके ना उनके साथ में बदतमीजी होती है। सबसे बड़ी बात जो टीचर है स्कूल में पढ़ाने आते हैं उनके साथ में बदतमीजी करते हैं लोग जी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि यहाँ क्या है सब ले दे के चलता है, खारा हिसाब पुलिस का ले दे के चलता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है बिल्कुल यहाँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये बस्ती वाले हमारे साथ में हैं सब है और कानूनी कार्रवाई हो। डीएम साहब से मेरा यहाँ से प्रशासन के लिए प्रशासन जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INI News के साथ। नमस्कार।